नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 31,300 की कॉल हमने शॉर्ट की है। और कॉल शॉर्ट करने का मतलब होता है मार्केट नीचे जाना चाहिए, और जैसे हमने ट्रेड लिया मार्केट नीचे ही चला जा रहा है। फिर भी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से कभी भी बाउंस बैक मार सकता है, तो हम तैयार रहेंगे। जैसे भी मार्केट हमारे अगेंस्ट जाने लगेगा तो हम वहां से अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करने की कोशिश करेंगे। जनरली मैं स्काल्पिंग करना पसंद करता हूँ बाकी के दिन, तो देख सकते हो अभी स्काल्पिंग में हमारा जो टारगेट रहेगा 20-30 पॉइंट का, स्टॉप लॉस भी उतना रहेगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड हमारे फेवर में चला जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए कॉस्ट के आसपास लगा देंगे। तो देख सकते हो अभी 900,000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों, स्काल्पिंग करने के लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, और आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। अपने आप को हर रोज बेहतर बनाना है, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, रोज ट्रेड करना जरूरी है। जब आप रोज ट्रेडिंग करोगे तभी आप बहुत सारी चीजें समझोगे, अपने आप में वो चीजें आने लगेगी आप में। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारे डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। और आपको जो भी कोई क्वेरी रहेगी आपकी, आपको कोई भी समस्या रहेगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करूंगा और दोस्तों प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं, इसको स्क्वायर अप करके मैं नई पोजीशन बना दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अपना स्टॉप लॉस काट लेगा। इससे बेहतर है कि मैं पोजीशन स्क्वायर अप करके नया पोजीशन बना लूं, क्योंकि स्काल्पिंग में मैंने आपको बताया कि 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट। लेकिन अगर आपके फेवर में ट्रेड चला जा रहा है तो आपको, देखिए मैंने पोजीशन स्क्वायर अप कर दी थी, वीडियो स्टॉप कर दिया था, और मैंने नई पोजीशन बनाई है। 31,500 की कॉल मैंने शॉर्ट की है दोस्तों, तो सॉरी पुट शॉर्ट किया। पुट शॉर्ट करने का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए, और मार्केट जैसे हमने ट्रेड लिया है हमारे फेवर में जा रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ से 481 पॉइंट के आसपास है, मतलब लगभग 20-25 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। अभी देख सकते हो 1300-1500 के आसपास, मतलब 1500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है ओवरऑल। तो एम रहेगा मोर देन 2000, मतलब 2000 के आसपास जैसे प्रॉफिट दिखेगा वहां से हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे दोस्तों। तो अभी ट्रेड हमारे फेवर में जा चुका है, तो हमारा काम रहेगा स्टॉप लॉस ट्रेल करना। देखिए नेट का इशू हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं। मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस 481 के आसपास है, देख सकते हैं 481.75। कॉस्ट के भी नीचे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हम गलत भी साबित हुए तो कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो 481.75 से मैं 461 पॉइंट कर देता हूँ, ये क्या हो गया 471, ठीक है 461.75 ओके। तो कॉस्ट के नीचे 3-4 रुपए स्टॉप लॉस लगाया हो, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस भी निकाल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लॉस नहीं होगा। तो आप जब भी विनिंग ट्रेड करते हो, जब आपका ट्रेड विनिंग चला जाता है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपने लॉसेस कट करना चाहिए। ये क्या लॉजिक होता है ये मैं बड़ी स्क्रीन पे लेके जाके बताऊंगा। चलिए हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉफिट बुक करने के बाद बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं 1968 का प्रॉफिट बना लिया है, तो चलिए बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं दोस्तों। जैसे कि देख पा रहे हो दोस्तों, हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैंने बताया था कि स्काल्पिंग का ट्रेड हमने लिया था, तो दोनों साइड हमने ट्रेड लिया था, एक बार कॉल शॉर्ट किया था और दूसरी बार पुट शॉर्ट किया था दोस्तों। तो वो सबसे पहले ऑर्डर दिखा देता हूँ। दो ही ट्रेड लिए थे, सुबह हमने ये ट्रेड लिया था 922 को लिया था और 928 को कवर कर लिया था, 6 मिनट का ही था। मैंने बताया था कि रिवर्सल आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए दोस्तों, तो मैंने वो किया था और उसमें हमें लगभग 200-250 रुपए के आसपास प्रॉफिट मिला था। और जो सेकंड ट्रेड लिया था हमने, 31,500 की पुट शॉर्ट की थी, जब प्राइस था 464.50 की और 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, और उसमें भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, 15 मिनट्स लगे। तो चलिए चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देख सकते हो ये जो मोमेंट थी, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमने सुबह पहले कॉल शॉर्ट किया था, और कॉल शॉर्ट करने का मतलब है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, तो ये मोमेंट हमने कैप्चर करने की कोशिश करी थी। लेकिन वोलेटिलिटी के कारण, थोड़ा सा ऊपर आने के कारण, वहां पे हमने 250 रुपए प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद पुट शॉर्ट किया, तो ये रैली हम कैप्चर कर पाए। तो हमेशा स्काल्पिंग में 20-30 पॉइंट का ही टारगेट रहता है दोस्तों, और उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपको 50-60 पॉइंट का टारगेट मिल गया 50-60 का, तो आप हर बार कोशिश करोगे कि 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 50-60 पॉइंट का टारगेट लेने की कोशिश करोगे, लेकिन हर बार ऐसा होगा नहीं। देख सकते हो अभी मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जोन में चला जा चुका है, ये अब ना ही अपना लो ब्रेक कर पा रहा है और ना ही अपना हाई ब्रेक कर रहा है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों।
और हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से ट्रेड करो, सभी को मुनाफा हो जाए और सभी ट्रेडिंग सीख जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को एंड कर देते हैं।